मैं अपने उस दूसरे चैनल पे, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, उस चैनल पे एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें मैं बात करूँगा कि कुणाल कामरा ने कैरी मिनाटी को रोस्ट करना सिखाते हुए रोस्ट किया, और वीडियो का टाइटल था कि वो रोस्ट करना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने जब वो पूरी वीडियो देखी तो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की, और इस वीडियो में तो जाहिर सी बात है मैं बहुत कुछ बोलूँगा नहीं, मेन काम के लिए तो वही चैनल है। तो ये रियलाइज़ किया मैंने कि उस वीडियो में मैंने अपना समय व्यर्थ किया। उस वीडियो में उस इंसान ने जानबूझ के ऐसे पंचेस डाले थे जिसमें उसने खुद को कॉमेडियन साबित करने के लिए हंसने वाले ऑडियो यूज़ किए, जिसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ गाली देने से कॉमेडी नहीं हो जाती, तो सिर्फ हंसने वाला म्यूज़िक लगा देने से कॉमेडी नहीं हो जाती या माहौल क्रिएट नहीं हो जाता। उसने कैरी को रोस्ट करके उसको रोस्ट करना सिखाने की कोशिश की, और कई ऐसी गलतियाँ कि इन सब चीज़ों के बारे में उस पर डिस्कस करूँगा, लेकिन ऊपर एक बता देना चाहता हूँ कि अगर कुणाल कामरा है, उसके फ़ैन, उसके सपोर्टर, लेफ्टिस्ट, माओइस्ट, जो भी देख रहे हैं, तो एक कहावत है, मजदूर को खोदना और बाप को, ये सब बातें हम लोग उस चैनल पर करेंगे, तो ये सब नहीं सिखाते। तो कैरी मिनाटी को करना सिखाते वक्त जब आपने अपने करने का तरीका एक्सप्रेस किया कि हम ऐसे करते हैं, तो वो अगर ऐसा होता है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग नहीं सिखाइए आप, तो बहुत अच्छी बात है। और कुणाल कामरा किसी को बुद्धि ना दें कि किसी को हरास करने में, पर्सनली हरास करने में, जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ किया, उसने पता नहीं कैसे टॉलरेट किया, एक थप्पड़ मार देता खींच के, इसकी औकात याद आ जाती। खैर, इतनी भी एयरलाइंस उन्होंने बहुत तेज थप्पड़ मारा, इसकी जलील हो गया ऑलरेडी। जो कैरी ने किया उसको ये साइबर बुलिंग मानते हैं। साइबर बुलिंग या ऑनलाइन कभी भी आपको कोई परेशान कर, तो आप वीडियो रिपोर्ट कर सकते हैं, चैनल रिपोर्ट कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा भी दिक्कत हो रही तो आप ऐप ही हटा दीजिए। दसों ऐसे तरीके हैं कि आप उस चीज़ से बच के भाग सकते हैं, लेकिन जब कोई कुणाल कामरा जैसा सनकी पागल सर पे खड़े होकर भौंकना शुरू करे, आप वहाँ से नहीं भाग सकते जब आप प्लेन में हो। तो ये वो आदमी ना सिखाए जो खुद इससे भी बड़ी चीज़ का शिकार लोगों को बनाता है। नो गॉड प्लीज नो नो नो, और कंप्लेन दूसरों पे करता है। खैर, कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं पॉइंट में लिख लिख के इसके बारे में अच्छे से इसको जवाब देना चाहता हूँ। सरप्राइज मदरफकर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप अपना भी स्टैंड बताइए, अगर अच्छा लगा तो इंक्लूड करूंगा मैं उस वीडियो में, क्योंकि क्या है ना, इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी इतनी बुरी जली है। ये लोग उस ग्रुप से आते हैं कि मुसलमानों की अपीजमेंट करनी है और माहौल का फ़ायदा उठाना है। इतने अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं कि उसने देखा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लो, माहौल गर्म है, सब फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी उठा लेते हैं। इसको नज़र आ गया होगा अपनी वीडियो में कि कैसे लोग आ तो रहे हैं, मैक्सिमम कैरी की फ़ैन फॉलोइंग आ रही है और डिसलाइक करके जा रही है और कमेंट में गाली खा रहा है, और इस बात की एक्सपेक्टेशन उसको भी थी। 12 साल के बच्चों से हम इंग्लिश में गालियाँ खाने वाले अभी भाई, कैरी के फैंस आके पेलेंगे मेरे को। खैर, खौफ अच्छा है, डर अच्छा है, लेकिन अगर इतना ही था तो करना नहीं चाहिए था। जय हिंद, वंदे मातरम।